ठतुई कहानी ज़ैबै यीशु बै ढौका सी। हर बर्ष यहूदी लोका फसह रा त्यौहार मना ती। ऐ ऊँई रै बारा न एक त्यौहार ती कि कैण्ढै कई बौर्षा पैहलै परमेश्वरै तिन्हरै बुज़ुर्ग मिस्रा री गुलामी न छुड़ाऐ ती। लगभग 3 बौर्षा बाद यीशुऐ लोका बै प्रचार केरना होर शिक्षा देणा शुरू केरू। यीशुऐ आपणै च़ेले बै दसु कि सौ तिन्हां सैंघै यरूशलेमा न फसह रा त्यौहार मनाणा चाहा सा, होर ऐ भी कि तौखै सौ मारना। यीशु रै च़ेले मौंझ़ै न यहूदा नाँ रा एक मांहणु ती। यहूदा च़ेले न ढैबुऐ रखणै री थैली रखणै रा कोम केरा ती, पर सौ हमेशा तेसा थैली मौंझ़ै न ढैबुऐ खोला ती। यीशु होर च़ेले रै यरूशलेमा न पुजणै न बाद यहूदा यहूदी अगुवा आगै नौठा। तेइयै ढैबुऐ रै बदलै यीशु बै तिन्हरै हौथा न ढौकणै रा प्रस्ताव रखू। सौ जाणा ती कि यहूदी अगुवै नैंई मनदै ती कि यीशुऐ मसीह ती, कि ते तेइबै मकाणा चाहा ती। महापुरोहिता रै बोलणै पैंधै यहूदी अगुवै यीशु बै तिन्हरै हौथा न ढौकणै री तैंईंयैं यहूदा बै 30 चाँदी रै सिक्कै धिनै। सौ यीशु बै ढौकणै न तिन्हरी मदद केरनै री तैंईंयैं कौसी मौके री खोज केरदा लागा। यरूशलेमा न यीशुऐ आपणै च़ेले सैंघै फसह रा त्यौहार मनाऊ। फसह रै भोजै रै वक्त यीशुऐ रोटी लेइया चोड़ी, तेइयै बोलू, ऊँई बै लेआ होर खात, ऐ मेरा शरीर सा ज़ो हांऊँ तुसा री तैंईंयैं देआ सा, ऊँई बै मेरी यादा री तैंईंयैं केरदै रौहित। ऐण्ढी तैरहा यीशुऐ बोलू कि तेई तिन्हरी तैंईंयैं मौरना, तिन्हरी तैंईंयैं तेई आपणा शरीर बौली चढ़ाणा। फिरी यीशुऐ अंगूरा रै रसा रा एक प्याला लेऊ होर बोलू, ऊँई बै पियात, ऐ नौंऐं वायदै रा लहू सा ज़ो कि मूँ पेरना, ताकि परमेश्वर तुसाबै माफ केला। हर बारी ऊँई बै पिंदी घेरै मेरी यादी न ऐण्ढा केरदै रौहित ज़ो हांऊँ ऐबै केरदा लागा सा। तैबै यीशुऐ आपणै च़ेले सैंघै बोलू, तुसा मौंझ़ै न एकी मांहणु हांऊँ ढौकणै ध्याणा। च़ेले हैरान हुए होर पुछदै लागै कि कुणी ऐण्ढा कोम केरना। यीशुऐ बोलू, मेरा ढौकणु आला मांहणु तेई होणा ज़ुणिबै मूँ रोटी रा टुकड़ा देणा। तैबै तेइयै रोटी यहूदा बै धिनी। तेसा रोटी बै लेणै न बाद यहूदा न शैतान आऊ। यहूदा निकलिया यीशु बै ढौकणै री तैंईंयैं यहूदी अगुवै री मदद केरदा नौठा। ऐ राती रा वक्त ती। खाणै न बाद यीशु होर तेइरै च़ेले जैतूना रा ढौगा बै नौठै। यीशुऐ बोलू, तुसा सैभियै औज़ राती हांऊँ छोड़ना सा, ऐ लिखुदा सा, मूँ पुहाल मारना होर सारी भेड़ा तितर बितर होणी। पतरसै जवाब धिना, भले चाहे बाकी सैभ छोड़ लै, मूँ तू नहीं छोड़ना। तैबै यीशुऐ पतरसा बै बोलू, शैतान तुसा सैभी बै लेणा चाहा सा, पर ओ पतरस, मैं तेरी तैंईंयैं प्रार्थना केरी सा कि तू बशाह न पीछे नी लोड़ी हुआ। तैबै भी औज़की रात मुर्गे रै बाशणै न पहले तो 3 बार मेरा नाँ केरना, कि तू मुंबै जाणदा भी नहीं। पतरसै यीशु बै बोलू, भले हांऊँ मौनू, मूँ कैदी भी तेरा नाँ नी केरना। होरी च़ेले भी ऐण्ढाऐ बोलू। तैबै यीशु आपणै च़ेले सैंघै गतसमनी नाँ री जगह बै नौठा। यीशु आपणै च़ेले सैंघै प्रार्थना केरनै री तैंईंयैं बोलू, ताकि शैतान तिन्हरी परीक्षा नी केरी सकला। तैबै यीशु आपु भी प्रार्थना केरनै री तैंईंयैं नौठा। यीशुऐ 3 बारी प्रार्थना केरी, ओ मेरै बापू जी, अगर होई सका सा ता ऐ दुख मूँ न दूर केर, पर अगर लोका आगै माफ केरनै री तैंईयैं कोई होर बौत नी आती ता मेरी इच्छा पूरी केर। यीशु बहु उदास ती होर तेइरा पसीना लोहू री बूंदा साई हुआ ती। तेइबै सामर्थ देणै री तैंईयैं परमेश्वरै एक स्वर्गदूत भेजू। हर बार प्रार्थना न बाद यीशु आपणै च़ेले सैंघै वापस आऊ, पर ते सुतेदै ती। ज़ैबै यीशु 3 बार वापस आऊ ता यीशुऐ बोलू, ब्यूजात, मेरा ढौकणु आला औखै सा। यहूदी अगुवै सैनिक होर एक बड़ी भीड़ा सैंघै यहूदा आऊ। तिन्हैं तलवार होर शोठे ले देती। यहूदे यीशु आगै एजिया तेई न बोलू, ओ गुरु जी नमस्ते, होर तेइबै मांगकी दिनी। तेइयै गिरफ्तार केरनु आलै मांहणु यहूदी अगुवै पैंधै प्रकट केरनै री तैंईयैं ऐण्ढा केरू ती। तैबै यीशुऐ बोलू, ओ यहूदा, कि तू एक मांगकी देइया मुँबै ढौकदा लागा सा। ज़ैबै ते सैनिक यीशु बै ढौकदै लागै ती, ता पतरसै आपणी तलवार खोली होर महापुरोहिता रै एक दासा रा कोन काटू। यीशुऐ बोलू,
तलवारी बै दूर केर, हांऊँ आपणै बापू सैंघै आपणा बचाव केरनै री तैंईंयैं स्वर्गदूता री एक सेना री तैंईंयैं अर्ज़ केरी सका सा, पर मुँभै मेरी बापू री गैल मननी सा। तैबै यीशुऐ तेई मांहणु रा कोन ठीक केरू, तैबै सारै च़ेले भगै।